कहते हैं कि समीर जो होता है वो अपनी रफ्तार से बहता है, कभी तेज तो कभी मध्यम, लेकिन पहुंचता वही है जहां उसको पहुंचना होता है। तो ऐसे ही कई साल पहले इन बनारस के घाटों से एक समीर चला और पहुंचा कहां? मुंबई समंदर किनारे। उसने गाने लिखे तो ऐसे कि उसके हर गाने की लाइन हुक लाइन हो गई, गाने इतने लिख दिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हो गया, और हर पीढ़ी के लिए गाने लिखे। एक बार और तालियों से स्वागत करिए समीर अंजान का। मैं आपके साथ विवेक हूं। तो समीर सर, शुरू करते हैं, इन घाटों से शुरू करते हैं कि जैसे भोजपुर से आप निकल कर जाते हैं, गंगा नदी के किनारे से निकल के जाते हैं, कहां गंगा की धारा, और मुंबई में समंदर का खारा पानी, सफर कैसा रहा? कि मीठे पानी से खारे पानी की तरफ का सफर। तो एक बात तो तुमने कह दी कि मीठे पानी से निकला था और गया खारे पानी की तरफ, तो मुझे पता नहीं था कि पानी में भी फर्क होता है। मैंने समंदर कभी देखा ही नहीं था। हम तो हमेशा मीठी नदियों का जल पीने वाले लोग, हम तो रोज शाम को भांग और गंगा का पानी पी के शामें गुजारते थे। जब समंदर किनारे पहुंचे तो लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी मुश्किल जगह है। बहुत लंबा संघर्ष रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो गाने देखे, मेरी सफलता देखी, होता क्या है, उजाला दिखता है, अंधेरा दिखता नहीं। मगर अंधेरा जहां है वहीं उजाला है, ये भी बहुत बड़ा सच है। मैं मुकेश अंबानी से लेकर अमिताभ बच्चन, जिनसे भी मैंने बात की, हर आदमी के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा है बेटा। और वो खारे पानी ने, जब जैसे ही मैं समंदर किनारे पहली बार गया, एहसास हो गया कि ये फर्क जो है मीठे और खारे पानी का, तुमको झेलना पड़ेगा समीर। तुम बहुत आसान सोच के आए हो, ये दुनिया आसान है नहीं। तकरीबन 10 साल लगे मुझे। मैं 1980s में BHU से MCOM करने के बाद काशी एक्सप्रेस से पहुंच गया था। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं गीतकार बनूं, और उनके आदेश के खिलाफ मैं गया, और एक साल मैं उनसे अलग रहा, और मैंने मुंबई की वो जिंदगी जी है। आज भी जब याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं घबराता हूं। जैसे अभी मैंने सुबह में दर्शन करने गया तो मैं उन गलियों से गुजरा, तो मुझे वो एक एक पत्थर याद है बनारस के, जिन गलियों से मैं जाता था। और आज मैं सेलिब्रिटी हूँ, आज मेरा नाम है, आज ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर वो यादें जो हैं ना, संघर्ष के दिनों की यादें कभी भूलती नहीं। तो बम्बई में जो संघर्ष हुआ है वो मुझे कभी नहीं भूलता। सफलता मिल गई, सब कुछ मिल गया, जितने सपने देखे थे उसे बहुत ज्यादा दे दिया ईश्वर ने, मगर इसको मैं याद नहीं करता। मैं उन दिनों को याद करता हूं जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। एक और बात बताइए कि इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि जो स्वर्गीय गीतकार अनजान हैं वो तो थे पहले से इंडस्ट्री में, तो फिर एक स्टेबल गीतकार के बेटे को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? ये कभी अभिषेक बच्चन से जाके पूछो तो बता देंगे तुमको सही जवाब। बड़े बाप का पुत्र होने का दो होता है, वरदान और अभिशाप दोनों था। लोग, जब मैंने लिखना शुरू किया, एक तो मेरी हाइट कम थी और उम्र भी बहुत कम थी, तो लोगों को लगता था कि अनजान जी ने एक घोस्ट राइटर बना लिया बेटे को और उसको भेज के गाने लिखवाते हैं, तो लोग मेरा इम्तिहान लेने लगे और मुझे कंपेयर करने लगे। अब पिताजी 40 साल से इंडस्ट्री में, और उस वक्त जब मैं पहुंचा तो नंबर वन की पोजीशन पे थे, तो उसमें मुझे बहुत तकलीफें हुई। एक बार मैंने उनसे कहा कि पापा आप कभी बोलिए किसी को, तो केवल एक बार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला था कि लक्ष्मी जी मेरा बेटा बहुत संघर्ष कर रहा है, आपके यहां एक गाना इसको मिल जाए तो इसका संघर्ष कम हो जाएगा। पिता के जूतों में पैर रखना भी काफी मुश्किल होता है। तो लक्ष्मीकांत ने उनसे कहा कि अनजान आज तो तुमने ये कह दिया, दोबारा कभी कहना मत, इसको बोलो अगर इसमें उतनी ताकत है और इसमें किसकी राइटिंग में दम है तो मुझे प्रूफ करके बताए कि अनजान का बेटा है। और एक बात याद रखना, बाप की दुकान बाप की होती है, बेटे की दुकान बेटे की होती है।
दोबारा बोलना मत, वरना इसको काम मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा। और उस लक्ष्मीकांत के यहां काम लेने के लिए मुझे उस एक डायलॉग को साबित करने के लिए 5 साल लगे। तो मेरी जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब रही बेटा। मैं अच्छा इसी जिद में उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया कि तुम लिटरेचर की तरफ मत जाना वरना तुम लिखना शुरू करोगे, और होता वही है जो होना है। लेकिन बाद में तो ये संबंध काफी फ्रैंक हो गए थे। एक संस्कृत का श्लोक है, लाल येत पंचवर्षाणी षड वर्षाणी ताड़ेत प्राप्त तू सोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम मेवाचरेत। जो बच्चा होता है वो छोटा होता है तब लाडला होता है, 6 साल तक उसको मारपीट के ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाता है तो वो मित्र के बराबर हो जाता है। ऐसे ठेठ बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब पिता का जो जूता है वो अगर बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त हो जाते हैं। तो बाद में तो काफी फ्रैंक कन्वर्सेशन हुई आपकी, उन्होंने पूछ दिया आपसे कि कभी कोई प्रेमिका रही है क्या? नहीं नहीं, और सवाल है नहीं कि जब वो सवाल उन्होंने किया कि तो वो वक्त बहुत खराब था, वो टाइम ये सवाल पूछने का नहीं था। अगर घर में बैठ के दोस्तों की तरह मुझसे पूछते तो मैं समझ सकता था कि हाँ इन्होंने मुझे हिदायत के लिए पूछा या अभी मेरे दोस्त की तरह इसलिए पूछा। पूछा उस वक्त जब 23 साल के बाद जब मैं उनसे मिला मुंबई में और मैं संघर्ष की आग में जल रहा था और उन्होंने मुझे वहां बुला के पूछा कि तुम मेरे मना करने के बाद भी शहर में आए, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर इन 3 सवालों का तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको इस शहर में रहने की इजाजत दूंगा, नहीं तो तुमको यहां से जाना पड़ेगा। और मैं जला हुआ था, मैं सोच के गया था और बड़ी नाराजगी थी मुझे उनसे। मैंने सोचा था जो पूछेंगे उसका 2 टूक जवाब दूंगा मैं, और उन्होंने पहला सवाल ही पूछ दिया कि तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की। 2 सेकंड का पॉज था मेरा, मैंने बोला यार इस वक्त ये सवाल समझ में नहीं आया। तो चूंकि मैं सोच के गया था कि मैं बोलूंगा तो सच, मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के किया था? फिर दूसरा और मुश्किल सवाल, और मेरी उम्र उतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं हर सवाल का सही जवाब, मगर एक जवाब पक्का था कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैंने बोला पापा कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता। अब उन्होंने पूछा कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे इस वक्त ये सवाल क्यों पूछा। और मेरे मन में यह कुलाहट थी, मैं पूछना ही चाहता था, तो मैंने बोला हाँ बताइए। बोले कि उस दिन मुझे लगा कि मेरे पिता इस दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर हैं। उन्होंने कहा कि 2 वजह से पूछा बेटा, ये इंडस्ट्री जो है ना ये एक महबूबा की तरह है, और ये बावफा भी हो सकती है ये बेवफा भी हो सकती है, मगर जो सच्चा आशिक होता है ना वो भागेगा नहीं, वो मर जाएगा इश्क में मगर महबूबा को छोड़ेगा नहीं। कि अगर आपको सच्चा इश्क है ना तो आप मार भी खाते हैं उस लड़की के लिए मगर उन गलियों में जाना छोड़ेंगे नहीं, उन गलियों में जाना छोड़ते नहीं है। तो चूंकि हम सच्चे आशिक थे तो हमने मार भी खाई, हमने जुदाई भी सही, हम रोए भी, हम भूखे भी सोए, मगर उन गलियों में जाना नहीं छोड़ा, और वही वजह थी सक्सेस की। तो ये तो एक हिस्सा हो गया जीवन का, संघर्षों का, रिश्तों पर। अब आते हैं आपकी कृतियों पर, आपके लेखन पर। भोजपुरी वैभव कार्यक्रम है, तो वैसे आप एक गाना या फिर कोई फिल्म ही बता दीजिए कि अगर आप भोजपुर से नहीं होते, भोजपुरी से जुड़े नहीं होते, गंगा किनारे से नहीं होते तो शायद वो आप वो टच नहीं दे पाते, शायद आप वो लिख नहीं पाते, वो उतना शानदार नहीं होता। तो जब जब मौका मिला बेटा, जैसे मैंने एक पिक्चर ही बनी जिसका नाम था बनारसी बाबू, जिसमें गोविंदा थे। आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खान साहब की एक बहुत मशहूर वो सहनाई में जब वो धुन बजाते थे, जो हमारे यहाँ जिसको कजरी बोलते हैं, और वो जो धुन है वो मैं अगर गुनगुना के तुमको सुनाऊं तो कुछ ऐसी है, अभी बचपन से सुना हुआ था। तो मेरे मन में था कि यार कभी ये धुन इतनी पॉपुलर है कि मेरे गांव में जब लड़कियां सावन में गाती थी एकजुट होके, मैंने बोला यार ये मौका है, गोविंदा है, पिक्चर का टाइटल बनारसी बाबू है, इसमें मैं लिखता हूं। तब मैंने वो गाना लिखा, भी आपको बोलूंगा तो आपको धुन याद आ जाएगी, एज इट इज धुन है। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ,
एक गाना और बताऊं, हीरो नंबर वन एक फिल्म आई थी, मैं जब अपने गांव में नौटंकी देखने जाया करता था तो एक गाना बहुत मशहूर था, जेठ की दोपहरी में बाव जरे हो राम पाव जरेला, तनि तो हम के लेता कोरवा उठाए मोरे वलमा। अरे मैंने बोला यार ये रह गया, अब इसको कहाँ इस्तेमाल करूं। फिर मैंने वो गाना जेठ की दोपहरी में पाँव जले हो राम पाँव जले है, ये गोविंदा और करिश्मा कपूर के ऊपर एक गाना है। फिर वो गाना जो मैंने वो गांव में ही सुना था, जिसको लेके मेरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और उस जमाने में जब चोली के पीछे गाना हिट हुआ था, वही मैं उस पे आने ही वाला था तो एक व्यावसायिक मजबूरी हो जाती बेटा, तो लोगों ने मुझसे कहा कि समीर जी अब जवाब दीजिए चोली के पीछे का। तो मुझे लगा कि यार पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पर ऑलरेडी बहुत इल्जाम लग रहे थे, क्योंकि आशिकी साजन दीवाना लिखने के बाद कूली नंबर वन में जब मैंने वो गाना लिखा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, बोले यार अच्छे खासे गाने आप रोमांटिक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये गलत सवाल मत पूछा करो कि आप लिखते हैं, मैं लिखता ही नहीं, मैं तो वो लिखता हूँ जो कहानी और किरदार मुझसे लिखवाता है। तो ये चोली के पीछे क्या है को आपने वल्गर माना कि नहीं माना? देखो बेटा, ये अगर मैं डिनाई करूं कि नहीं था तो गलत होगा, मगर वो क्यों था इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। बताइए। आनंद बख्शी को का जीना मुश्किल हो गया, इतने मशहूर गीतकार, इतने हिट गाने उन्होंने लिखे। सवाल ये था कि वो जो टुकड़ा था चोली के पीछे क्या है, वो आनंद बख्शी का लिखा हुआ ही नहीं था, वो टुकड़ा कहीं से सुभाष घई ने कहीं फोक में किसी से सुना था। काफी एक्सक्लूसिव जानकारी है हिंदुस्तान और जब उन्होंने बख्शी को दिया तो उन्होंने कहा कि सुभाष ये मैं कैसे निभाऊंगा, तुम्हें क्या लिखवा रहा मुझसे। तो उन्होंने बोला बख्शी साहब आप ही इसको निभा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो चोली की इज्जत संभालने के लिए आगे की लाइन लिखी कि चोली के नीचे क्या है, तो बोली चोली में दिल है मेरा, कि थोड़ा तो कहीं तो संभालो नहीं तो और गाली पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के गाने जब आते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत हमसे बहुत सवाल भी करते हैं कि सर यार बार बार तो वहां तो चोली संभाल ली गई, लेकिन जब इसकी बात चली है, इन शब्दों की बात चली है, इन गालों की बात चली है, तो भोजपुरी में भी कुछ गाने हैं जिन पर वल्गर होने का विवाद लगता है, और इस कार्यक्रम में तो उस पर आना लाजमी है जो भोजपुरी का विवाद चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गानों में दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुनने वाले में दिक्कत है, तो वहां तो चोली संभल गई, लेकिन चोलिया में हूक राजा जी यहां कैसे संभलेगी? देखो विवेक, मैं एक तुमसे बात पूछना चाहता हूं। हमारे यहां एक बात बहुत साफ साफ लोग बोलते हैं कि हर चीज जो है डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। अर्थशास्त्र। सवाल सप्लाई और डिमांड का नहीं है, सवाल डिमांड और सप्लाई का भी है। कि जब चोली के पीछे लोगों ने रिजेक्ट किया, उस दौर के बाद एक लंबे अरसे तक कभी कोई उस तरह के गाने बने नहीं हमारी इंडस्ट्री में। मैं ये पूछना चाहता हूँ है कहाँ वो? नहीं तो कुछ लोग आप ये कहना चाहते हैं कि गाने आते हैं और वो चलते हैं इसलिए बनते हैं। डेफिनेटली बन रहे। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो छद्म रूप धारण करके हैं, जो हेडफोन लगा के वही गाने सुनते हैं और हेडफोन निकाल करते हैं, ये गलत है। तो आपने काफी वर्सटाइल गाने लिखे, लेखनी पर ही रहते हैं कि आप उस जमाने से भी लिखते हैं कि साजन के गाने लिख दिए आपने, काफी फेमस रहे कि मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्हीं से करता है, लेकिन आपने नए जमाने के भी गाने लिखे हैं, अनारकली डिस्को भी चली, तो इतना वर्सटाइल कैसे होना पड़ा सीधा वहां से यहाँ? होना पड़ता है विवेक, क्योंकि वक्त के साथ मैंने हमेशा अपने आप को बहुत तोड़ा है। बहुत वक्त है कि अर्थ है? जब सरकारी खटिया लिखना पड़ा था तब वो व्यवस्थित थी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार की रोजी रोटी मेरे पैसों से चलती थी, और अगर मैं नहीं लिखता तो मेरा बाप जो है वो हॉस्पिटल में 5 साल से पड़ा हुआ था, वो मेरी मजबूरी थी, और मैं उसके अलावा मुझे ना तो कोई काम आता था ना मैं कोई काम कर सकता था। मगर अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं फिल्में छोड़ देता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये मेरे जमीर के नीचे से बात कहीं कही जा रही है। तो साहिर ने कहा कि मैंने जो गीत तेरे प्यार के खातिर लिखे अब उन्हीं गीतों को बाजार में ले आया हूँ। आपने कभी ये सोचा कि समीर शायर कहाँ है इन दिनों, सोचते हैं कभी?
समीर शायर तुम्हारे सामने ही है बेटा, और अभी बहुत जल्दी वो समीर शायर तुमको नजर भी आएंगे। क्या कहाँ नजर आने वाले, ये एक्सक्लूसिव जानकारी इसी कार्यक्रम में। अभी कुछ फिल्में मुझे मिली हैं, जब मैं संजय लीला बंसाली की सांवरिया लिख रहा था तो मैंने उस फिल्म में उनसे बोला था कि संजय मुझे लगता है कि तुम ये पिक्चर अच्छी नहीं बनाओगे मगर इसके गाने तो सुपर हिट होंगे, ये मैं तुमको पक्का वादा करता हूँ। और उसके गाने सुपर हिट हुए बेटा। अब लोग मौका देने को तैयार नहीं, लोग मान चुके हैं कि नहीं अब समीर जी से नहीं लिखवाना, मगर मेरी जिद जो है ना, मैं जैसा कहा मैंने ना कि मैं बाप के खिलाफ जाके मैंने लड़ाई लड़ी है, तो मैं वक्त के साथ भी लड़ता रहा। और अभी दो फिल्में मैं लिख रहा हूँ, साजिद नडियाडवाला साहब की एक फिल्म आ रही है हाउसफुल 5, हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3 सब मैंने लिखी है, अभी ये 5 आ रही है, और एक फिल्म आ रही है सन की जिसका टाइटल है, उसमें मुझे बड़े जमाने के बाद आशिकी का सब्जेक्ट मिला है, जिसमें मैं जो चाहता था लिखना, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, मैं उनको आज वादा देके जाता हूं कि अगर उसका म्यूजिक गली गली मशहूर नहीं हुआ तो आप लोग जो बोलेंगे मैं कलम रख दूंगा। काम जो दिल से होता है वो दिल तक पहुंचता था, तो आपने लिख दिया एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब तो वक्त बीत गया, उम्र बीत गई, आज बता ही दीजिए कौन थी वो। तो विवेक तुम ये सोच क्या हो कि मेरा डिवोर्स करवाने का अगर फैसला तुमने कर लिया है। अब तो मैम भी समझती हैं, भैया लोग हो गए, आप बताएं। मेरी धर्म पत्नी के ऊपर मैंने एक गाना लिखा, और जब उनसे कहा मैंने कि देखो अनीता, मैं पहली बार, मैंने हमेशा लोगों के लिए गाने लिखे, हीरोइनों के लिए गाना लिखा, ये गाना तुमको याद नहीं होगा, तुमने कभी किसी रात मुझसे डायलॉग बोला था, और भरी ऐसे ही सभा बैठी थी उसमें मैंने कहा कि मैंने ये गाना लिखा है कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो क्या जवाब दिया था मालूम है? क्या कहती है कि आज पहली बार मुझे लगा कि आप कितने सलीके से झूठ बोलते हैं। अब तुम सोच लो कि मेरी इमेज क्या है, एक तो शायरों की इमेज बीवियों की नजर में वैसे भी बड़ी खराब होती है, और ऊपर से तुम ये कहलवाना चाहते हो। फिर भी मैं नहीं भटकने वाला, मैं वहीं अपने पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ कि कहाँ बीएचयू से थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे। अब जब तुमको सब मालूम है बीएचयू से थी, बनारस की थी, यहीं पे थी, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपके मुंह से जानना चाहते हैं। मैं तो, लोग मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं, आज विकिपीडिया पे मेरा कोई राज नहीं है जो छुपा नहीं है, वो सबको सब कुछ पता है, मगर ये सच है। और ये मैंने माना है कि अगर आपने किया नहीं है ना तो आप लिखोगे ना तो फेक लगेगा, क्योंकि दो तरह से लिखा जाता है, एक सोच के लिखा जाता है और एक जी के लिखा जाता है। तो मैंने जो कुछ भी लिखा है ना विवेक, वो जी के लिखा है, कभी सोच के लिखा है। तो आपके लेखन के आधार पे आप? बेटा मैंने कभी जिंदगी में इतना काम किया मगर मैंने कभी किसी चीज के लिए किसी से मांगा नहीं। आज पद्मश्री मुझे ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया जिनके, जो मेरे गाने गा के जो लोग मशहूर हुए हैं, मैंने कभी भारत सरकार से या मीडिया से कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं। मैंने बोला जिस दिन सरकार को याद आएगी दे देगी, वेरी गुड, नहीं दे तो मैं केवल अपने काम में, मेरी एक ही मंशा है, और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, उसी पे मैं कहने वाला था कि इसीलिए तो मिला है, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट था, मुझे काम काम और केवल काम करना। तो काम की जब हम बात करते हैं तो एक वक्त ये है जब समीर अंजान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, एक वक्त ये है कि समीर अंजान अपने मन से जो उनको मन करता है गाने छोड़ देते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब चौथे माले से डायरी फेंक दी जाती है। यही तो था, फेंक दी गई थी इसीलिए पहुंचा। एक संगीतकार थे, उनका भी नाम नहीं लेना, अभी बेचारे हैं नहीं, मरो नहीं है, नहीं है, तो अब वो जो अब ले लीजिए, उनके बारे में बोल के अच्छा नहीं लगता। मगर मैं जब बाद में वो, मैं सक्सेसफुल हुआ और मुझसे छुपने लगे पार्टियों में, तो मैंने उनको बुला के बोला कि अंकल आप मुझे छुपो मत, ये गलती आपकी नहीं है, मेरे वक्त की गलती थी, मेरा वक्त खराब था, और आपने जो कुछ भी किया, आपकी जगह कोई भी होता तो करता, जो हम यहाँ बैठे हैं, तो शायद ये बहुत शुभ संदेश भी देगा लोगों को, और ऐसे कार्यक्रम भी होते रहे, ऐसे तो कार्यक्रम होने। मैंने दो पंक्तियां हैं मेरी लिखी कि तमाम दुश्वारियां हैं इस जहां में, क्या क्या बोलू मैं, दिल हमारा तहखाने जैसा है, कभी बैठो तो खोलू मैं। तो ये इसी पंक्तियों के साथ अब इस, और विवेक जाते जाते एक दो पंक्तियां सुना देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी की बात कही कि मेरा एक शेर है, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है,
और ऐसे मौके पे जहां हमको सारी उम्मीदें टूटती है ना, उसी के ऊपर ये लिखी हुई चंद पंक्तियां हैं, मेरी एक किताब है समीराना गीत, कि जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते, जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिनको समझते हैं अजनबी, उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। जहां से बंद होते हैं सारे रास्ते वहीं से नया रास्ता निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत तुमको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, बड़े जमाने के बाद इंटरव्यू हुआ, और वो इंटरव्यू मेरा कर रहा है जिसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, भाषा के बारे में बहुत कुछ पता है, शायरी के बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत धन्यवाद सर।